तो गाइस अगर मैं आपको बताऊं कि आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपका हेडशॉट कुछ ऐसे लगेगा। तो वहां पे आपका रिएक्शन क्या होगा? हाँ भाई यार, आपका भी ऐसे ही हेडशॉट लगने वाला है आज के वीडियो को देखने के बाद। लेकिन यार वीडियो को अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो वहाँ पे मैं कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देख लोगे तो भाई पक्का आपका भी ऐसे ही हेडशॉट लगने वाला है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। भाई आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया है। अब देखो, OB35 अपडेट के बाद हमारे गेम में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जो चेंजेस हुआ है वो है हमारा सेंसिटिविटी। अब देखो यार, जब से अपडेट आया है तो मैं हर एक डिवाइस में गेम प्ले करा हूं, और वहां से जो बेस्ट सेंसिटिविटी निकल के आया है वही आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका तगड़ा वाला हेडशॉट लगने वाला है। अब देखो यार, हेडशॉट मारने के लिए ना अच्छा सेंसिटिविटी होना जरूरी है। आप लोग चाहे राइस्टार्ट को देख लो या फिर किसी भी बड़े प्रो प्लेयर्स को देख लो, हर एक बंदा अपने डिवाइस के लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी सेट करता है, जिनके वजह से उनका हेडशॉट उतना बेहतरीन लगता है। फिर आज के वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका भी हेडशॉट ऐसे ही लगने वाला है। फिलहाल के लिए कोई भी बकवास नहीं करूंगा, लेकिन यार जो बंदे चैनल पे नए आए उनको बताना चाहूंगा कि वहां पे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उस बटन को जल्दी से प्रेस कर लो, प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब यार कुछ बंदे ये सोच रहे हैं कि भाई तेरे को सब्सक्राइब करके हमें क्या मिलेगा। भाई यार, पीसी प्लेयर को सब्सक्राइब करके आपको क्या मिलता है? वो लोग आपको सिखाता है कुछ? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं ना, तो यार हम तो सिखाते हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए हमें। फिलहाल के लिए चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस यार, सबसे पहले बात करेंगे कि जनरल सेंसिटिविटी को कितना रखे। अब देखो यार, हर एक डिवाइस में जनरल सेंसिटिविटी अलग अलग होता है, तो यार मैं आपको अगर एक सेंसिटिविटी बताऊं तो वो सेंसिटिविटी शायद आपके डिवाइस में वर्क नहीं भी कर सकता है। इसलिए मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि आपके डिवाइस के लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी को कैसे निकाले। तो भाई आपको क्या करना है, आपको चले जाना है ट्रेनिंग मोड के अंदर। ट्रेनिंग मोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आप लोग सामने वाला दीवार देख सकते हो, तो इस दीवार के पास आपको खड़े हो जाना है, और यहाँ पे जो एम है एम को बिल्कुल मिड में सेट करना है। यहाँ पे मेरा सेंसिटिविटी कितना है, बिल्कुल 100 है। सबसे पहले मैं आपको 100 करके दिखाऊंगा कि मेरे डिवाइस के लिए क्या 100 सेंसिटिविटी परफेक्ट है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो डिस्प्ले का ये वाला हिस्सा है इसको पकड़ के यहाँ पे मैं ऐसे राउंड राउंड घुमाऊंगा, मतलब डिस्प्ले के यहाँ से स्टार्ट करके पूरे डिस्प्ले के यहाँ तक एंड तक लेके आऊंगा, और देखूंगा कि मेरा एम बिल्कुल मिड में आता है या फिर नहीं आता। फिर 100 सेंसिटिविटी में यहाँ पे मेरा एम बिल्कुल मिड में आके नहीं रुका है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम करूंगा। यहाँ पे मैं 80 करूंगा, 81 से फिर से एक बार ट्राई करूंगा, देखूंगा कि ये सेंसिटिविटी मेरे डिवाइस के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से एम को मिड में रखना है, और फिर से वही सेम प्रोसेस करना है, डिस्प्ले के यहाँ से स्टार्ट करके आपको पूरे एंड तक लेके आना है, और देखना है कि आपका एम मिड में आके रुक रहा है या फिर नहीं रुक रहा है। तो भाई यहाँ पे भी मेरा एम मिड में आके नहीं रुक रहा है, तो ये सेंसिटिविटी भी परफेक्ट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से वही सेम प्रोसेस करूंगा, यहाँ पे सेंसिटिविटी को और थोड़ा सा कम कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से एक बार सेम प्रोसेस करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं फिर से वही सेम प्रोसेस कर रहा हूँ, और देखूंगा कि यहाँ पे मेरा एम बिल्कुल इस दीवार के मिड में आके रुकता है या फिर नहीं रुकता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम मेरा यहाँ पे आके रुका, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं 60 करूंगा जनरल सेंसिटिविटी को, और उसके बाद एक बार और ट्राई करूंगा और देखूंगा कि ये सेंसिटिविटी मेरे डिवाइस के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा एम है बिल्कुल दीवार के मिड में आके रुक गया है। तो भाई मेरे डिवाइस के लिए जो जनरल सेंसिटिविटी है वो 60 बिल्कुल परफेक्ट है। तो यार आप लोगों को भी ऐसे करके आपके डिवाइस के लिए जनरल सेंसिटिविटी को निकाल लेना है, क्योंकि ये सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेडशॉट मारने के लिए। तो भी बात करते हैं कि रेड डॉट के सेंसिटिविटी को आपको यहाँ पे कितना रखना है। तो यार देखो, जिनके पास लो डिवाइस है जैसे 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम के डिवाइस है, तो वो लोग रेड डॉट के सेंसिटिविटी को कितना रखे, यहाँ पे आपको रेड डॉट के सेंसिटिविटी को पूरा 100 रखना है। हाँ भाई, यहाँ पे बिल्कुल आपको रेड डॉट के सेंसिटिविटी को 100 रखना है, क्योंकि आपके पास लो डिवाइस है यार, उसमें पहले से ही सेंसिटिविटी कम रहता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रेड डॉट के सेंसिटिविटी को बिल्कुल 100 रखना है। लेकिन यार जिनके पास हाई डिवाइस है जैसे 6 GB रैम, 8 GB रैम या फिर मेरे तरह 12 GB रैम के फ़ोन है, तो वो लोग रेड डॉट के सेंसिटिविटी को कितना रखे, वो लोग रेड डॉट के सेंसिटिविटी को 80 रखे। आप लोग 77 से लेके 80 के बीच में आपको रेड डॉट के सेंसिटिविटी रखना है, तभी आपका अच्छा खासा हेडशॉट लगेगा। और जिनके पास लो डिवाइस है वो लोग रेड डॉट के सेंसिटिविटी को बिल्कुल 100 रखते। तो भी बात करते हैं कि 2x के सेंसिटिविटी को आपको कितना रखना है। तो भाई देखो, यहाँ पे 2x के सेंसिटिविटी को आपको क्या करना है, यहाँ पे 2x के सेंसिटिविटी को आपको बिल्कुल 100
कर देना है, चाहे आपके पास 2GB, 3GB, 4GB, 6GB या फिर 12GB रैम के डिवाइस है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे 2x के सेंसिटिविटी को बिल्कुल 100 रखना है, क्योंकि जब आप लोग 2x को ओपन करके ड्रैग करोगे तभी आपका हेडशॉट लग पाएगा, अगर आप लोग बिल्कुल 100 करके रखते हो। लेकिन यहाँ पे जो 4x का सेंसिटिविटी आता है, 4x के सेंसिटिविटी को आपको ऑलवेज 90 से लेके 95 के बीच में रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल 100 क्यों नहीं रखना है, क्योंकि जब आप लोग 4x को ओपन करके किसी बंदे को हेडशॉट मारने जाओगे तो वहाँ पे आपका स्कोप रिकॉयल मार सकता है ज़्यादा सेंसिटिविटी होने के कारण। तो जिसके वजह से यहाँ पे आपको 4x के सेंसिटिविटी को 90 से लेके 95 के बीच में रखना है, तो वहाँ पे आपका हेडशॉट वर्क कर जाएगा, काम कर जाएगा। अब देखो यार, जो स्नाइपर के सेंसिटिविटी है ये आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे 15 से 20 तक रखे स्नाइपर के सेंसिटिविटी को। ज़्यादा रखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को स्नाइपर चलाने में मुश्किल आ सकता है, और जो बंदे थोड़ा सा ज़्यादा रख के खेलना चाहते हैं तो वो लोग 30 तक जा सकते हैं, लेकिन उससे मत जाओ, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप लोग जाओगे तो स्नाइपर चलाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाला है। और देखो यार, जो फ्री लुक का सेंसिटिविटी आता है, फ्री लुक के सेंसिटिविटी को आप लोग कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए 30 रखता हूँ ऑलवेज, तो आप लोग भी 30 रख सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग फ्री लुक के सेंसिटिविटी को ज़्यादा रखोगे तो जब कैमरा को घुमाओगे तो वो बहुत ही फास्ट घूम जाएगा, और पीछे कौन है ना है ये चीज़ आपको देखने में परेशानी हो सकता है, तो जिसके वजह से मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा 30 आप लोग रख सकते हो। प्यारी समझ गई। तो यार, अभी आप लोग ये सोच रहे हो कि शायद वीडियो ख़त्म हो गया है और आप लोग वापस जाने की सोच रहे हो, तो नहीं भाई, एकदम भी ये गलती मत करना, क्योंकि वीडियो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आपको अभी दो सीक्रेट सेटिंग बताने वाला हूँ जो सेंसिटिविटी में बहुत ही वर्कफुल काम करता है। तो यार देखो, जिनके पास सैमसंग का फ़ोन है तो उनके फ़ोन में ये सेटिंग ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन यार जिनके पास सैमसंग का फ़ोन नहीं है तो उनके फ़ोन में ये सेटिंग मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा मैं बता नहीं सकता, लेकिन आपको क्या करना है, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाना है, फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है टच सेंसिटिविटी। हाँ भाई, यहाँ पे टच सेंसिटिविटी सर्च करना है, और देख सकते हो मेरे यहाँ पे मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे पास टच सेंसिटिविटी आ चुका है, तो इसको मैं ऑन कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे सेंसिटिविटी में इफेक्ट आएगा, मेरा सेंसिटिविटी और भी ज़्यादा हाई होगा, जिससे मेरा हेडशॉट बहुत ही बढ़िया तरीके से लगेगा। तो अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग है तो आप लोग ज़रूर से ये सेटिंग को ऑन कर लेना। अभी जो दूसरा सेटिंग है वो क्या है, वो है DPI। भाई यार, जब से OB35 अपडेट आया है तो वहाँ पे मैं नॉर्मल सेंसिटिविटी में गेम प्ले कर रहा था, वहाँ पे मेरा अच्छा खासा हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा DPI को इंक्रीज करा, तो यार उसके बाद जब मैं उसी सेंसिटिविटी में गेम प्ले कर रहा था तो वहाँ पे मुझे तगड़ा वाला हेडशॉट देखने को मिल रहा था। तो आप लोग भी थोड़ा सा DPI का यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग कितना कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ, जिनके पास 2GB, 3GB या फिर 4GB रैम के डिवाइस है तो वो लोग DPI को 250 तक इंक्रीज कर सकते, मतलब अगर आपका डिफॉल्ट DPI 360 है तो वहां पे आप लोग उसके साथ 250 को और ऐड कर सकते हो, और उस DPI में आप लोग गेम प्ले कर सकते हो। और जिनके पास 6GB या फिर 8GB रैम का डिवाइस है तो वो लोग 150 तक DPI को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब आपका जो डिफॉल्ट DPI है उसके साथ आप लोग और 150 DPI को ऐड करके गेम प्ले कर सकते हो। और जिनके पास 12GB रैम के फोन है जैसे मेरे पास है, तो यहां पे मैंने सिर्फ 100 DPI को इंक्रीज करा और उससे ही मुझे बहुत ही बेहतरीन हेडशॉट देखने को मिल रहा है गेम में। तो आप लोग भी ये चीज़ को ज़रूर से एक बार ट्राई कर सकते हो।